खबर सिंगरौली से है, जहां पर एनटीपीसी सिंगरौली शक्तिनगर के सीएसआर संजीवनी चिकित्सालय एवं वनिता समाज के सहयोग से आसपास के सभी ग्रामीण जनों हेतु निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन 17 नवंबर से 18 नवंबर 2024 तक संजीवनी अस्पताल में किया गया। तदुपरांत जांच के बाद विशेषज्ञ एवं डॉक्टर की टीम डॉक्टर आरसी दुआ एवं डॉक्टर नितिन दुआ लाइट एंड साइट समिति मिर्जापुर द्वारा कल 164 मरीजों के नेत्र का सफल ऑपरेशन किया गया, जिसमें कुल ओपीडी लाभार्थियों की संख्या 405 रही। यह उल्लेखनीय है कि डॉक्टर नितिन दुआ सन 1979 से हर वर्ष संजीवनी चिकित्सालय में औसतन 400 मरीजों के नेत्रों का सफल इलाज करते आ रहे हैं। इस वर्ष नेत्र चिकित्सा शिविर में सबसे ज्यादा मोतियाबिंद एवं काला मोतिया नाखूना आदि का ऑपरेशन किया गया। इस शिविर में भर्ती किए गए मरीजों को निःशुल्क दवाई, निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन, निःशुल्क आवासीय सुविधा, ऑपरेशन के पश्चात निःशुल्क दवा एवं चश्मा भी प्रदान किया गया। वनिता समाज के द्वारा नेत्र चिकित्सा के मरीजों को पान की सुविधा एवं कंबल भी प्रदान किए गए। इस निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि राजीव अकोटकर, परियोजना प्रमुख पीयूषा अकोटकर, अध्यक्ष वनिता समाज एवं अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा संजीवनी अस्पताल में दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस नेत्र चिकित्सा शिविर का उद्देश्य नेत्र पीड़ित ग्रामीण लोगों की आंखों से संबंधित रोगों को ठीक कराना, उन्हें उचित दवाई दिलाना एवं लोगों को आंखों की देखभाल के प्रति जागरूक कराना था। इस अवसर पर राजीव अकोटकर, परियोजना प्रमुख, ने एनटीपीसी सिंगरौली के सीएसआर विभाग, संजीवनी चिकित्सालय एवं वनिता समाज की टीम को आसपास के समुदायों एवं दूर दराज के क्षेत्रों के जरूरतमंद ग्रामीण जनों हेतु निःशुल्क नेत्र चिकित्सा एवं जांच शिविर के आयोजन के लिए बधाई दी। सिंगरौली से अमित पांडे की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।